हेलो सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है डी मोवियर्स थ्योरम सो डी मोवियर्स थ्योरम तो डी मोवियर्स थ्योरम क्या करता है रूट्स निकाल के देता है तो so, अगर सपोज जेड इज इक्ल टू जेड वन रेस टू वन बाय एन है तो so, इसके रूट्स निकाल के देगा अब ये रूट्स क्यों निकालेगा देखो अगर मैं रेस टू एन दोनों तरफ कर दूँ तो जेड रेस टू एन इज इक्वल टू जेड वन जेड वन एक कॉन्स्टेंट है तो जेड रेस टू एन माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो अब ये एनएट डिग्री पॉलिनामेल है तो देर मस्ट बी एन रूट्स ये एनएट डिग्री पॉलिनामेल है तो देर मस्ट बी एन रूट्स तो इसके जो एन रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये एन रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले क्या करो इसको आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करो जेड वन को तो जेड वन को आइलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आर एन टू ई रेस्ट टू आयोटा थीटा रेस टू वन बाई अब अपने को पता है देखो ई रेस्ट टू आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो अगर मैं थीटा की जगह थीटा प्लस टू एम पाई भी रखता हूँ टू एम पाए एन क्योंकि एन एथ रूट्स ऑफ यूनिटी है तो कन्फ्यूज़न होगा तो टू एम पाई रखता हूँ तो थीटा की जगह अगर मैं थीटा प्लस टू एम पाए थीटा प्लस टू एम पाई रखता हूँ तो साइन कॉस सेम ही आ जाएगा वापस तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आएगा तो वैल्यू विल रिमेन सेम तो इसमें टू एम पाई एड कर दो आई आयोटा थीटा प्लस टू एम पाई तो फंडा क्या होता है पहले उसको आइलर फॉर्म में लिखो थीटा की जगह टू एम पाई एड कर दो फिर वन बाय एन को अंदर ले लो फिर वन बाय एन को अंदर ले लो तो आर रेस्टू वन बाय एन इंटू ई रेस्टो आयोटा थीटा प्लस टू एम पा बाय एन और एम की वैल्यू जीरो वन टू थ्री से लेके एन माइनस वन तक रखो तो ज़ीरो वन टू थ्री से लेके अगर एन माइनस वन तक रखते हैं तो वी विल गेट एन वैल्यूज़ तो वी विल गेट एन रूट्स इसका ये मतलब है और आगे और समझ में आएगा कि इसके आगे अगर एन एन प्लस वन रखने गए तो क्या होगा तो वैल्यू रिपीट करना चालू कर देंगे मतलब एन पे वही वैल्यू आ रही होगी जो जीरो पे आ रही है फिर एन प्लस वन पे वही वैल्यू आ रही होगी जो वन पे आ रही है एन प्लस टू पर वही वैल्यू आ रही होगी जो टू पे आ रही होगी तो इसलिए सिर्फ एन माइनस वन तक लेंगे एक दूसरा ये एन एच रूट एन एच डिग्री पॉलिनामेल तो एन रूट्स ही होंगे तो ये दीज आर द एन रूट्स दीज आर द एन रूट्स नेक्स्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसकी कोई पावर पी आ जाती है जेड वन रेस टू पी तब कैसे करेंगे तो अगर सपोज कभी ये ऐसा हो गया तो जेड इज इक्वल टू जेड वन रेस्ट टू पी बाय एन तो कभी अगर ऐसा हो गया तो वही फंडा आईल फॉर्म में लिखेंगे आर इन टू ई रेस्टो आयोटा थीटा पी बाय एन और पी को पहले अंदर ले लो तो ई रेस्टो आयोटा पी थीटा वन बाय एन और फिर टू एम्पा एड करो तो पी को अंदर ले लिया अब इसमें टू एम पाए तो p को अंदर ले लिया अब इसमें टू एम पाए ऐड करेंगे रेस टू वन बाय एन फिर वही एन को अंदर ले लेंगे आर रेस टू पी बाय एन इंटू ई रेस टू आयोटा पी थीटा बाय एन प्लस टू एम पाई बाय एन और m की वैल्यू और m की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे जीरो वन टू थ्री से लेके एन माइनस वन तक तो वी विल गेट एन रूट्स सो वी विल गेट एन रूट्स तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा तो z इज इकल टू वन प्लस आयोटा रेस टू वन बाय फोर तो वन प्लस आयोटा रेस टू वन बाय फोर तो अपने को करना क्या है तो फाइंड ऑल फाइंड ऑल फोर रूट्स तो फोर रूट्स निकालने क्यों क्योंकि z इज टू फोर इक्ल टू वन प्लस आयोटा है तो यानी फोर डिग्री पॉलिनामेल तो इसके चार रूट्स फाइंड आउट करने तो कैसे करेंगे पहले आईल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू इन ई रेस टू आयोटा फोर रेस्ट टू वन बाय फोर फिर टू एम पाई एड कर देंगे तो रूट टू इंटू ई रेस्ट वायोटा पाई बाय फोर प्लस टू एम पाई रेस टू वन बाय फोर फिर वन बाय फोर को अंदर ले लेंगे तो टू रेस्ट टू वन बाई एट क्योंकि रूट टू का टू रेस्ट टू वन बाई टू वन बाय फोर अंदर आएगा तो वन बाई एट इंटू ई रेस्ट वायोटा पाई बाय सिक्सटीन प्लस एम पाई बाय टू तो एम पाई बाय टू या टू एम पाई बाय फोर भी लिखा तो भी चलता फिर एम की वैल्यू जीरो वन टू थ्री कब तक एन माइनस वन तो फोर था यहाँ पे एन तो जीरो वन टू थ्री तो देखो ना तो ज़ीरो पे एक रूट आ जाएगा वन पे दूसरा टू पे तीसरा और थ्री पे चौथा रूट तो ऐसे चार रूट्स आ जाएंगे तो रखो तो एम को ज़ीरो रखा तो टू रेस्ट टू वन बाय एट इंटू ई ई रेस टू आयोटा तो एम को जीरो रखा तो ये आया फाइव बाय सिक्सटीन ये पहला रूट हो गया दूसरा रूट तो टू रेस्ट टू वन बाई एट ई रेस टू आयोटा अब यहाँ पर एम को वन रखेंगे तो वन रखा तो एल लेंगे तो ये नाइन पाई बाय सिक्सटीन आएगा क्योंकि देखो ये होगा वन बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय टू तो ये एट बाय सिक्सटीन तो एट बाय सिक्सटीन तो नाइन पाई बाय सिक्सटीन तो ये दूसरा रूट अब तीसरा रूट टू रेस टू वन बाई एट ए टू आयोटा तो एम को अब एम की वैल्यू टू रखेंगे इस बार एम की वैल्यू टू रखेंगे तो सेवनटीन पाई बाय सिक्सटीन नहीं तो एक ईजी तरीका एट एट ऐड करते जाऊँ तो देखो ना तो चौथा कौन सा हो जाएगा आखिरी वाला? Toh, वाला तो आखिरी चौथा कौन सा हो जाएगा? आंसर ट्वेंटी फोर रूट्स तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन पर इस बार थोड़ा सा चेंज होगा तो फाइंड ऑल द फोर रूट्स ऑफ वन प्लस आयोटा रेस टू थ्री बाय फोर तो इस बार क्या हो गया पावर थ्री लग गई तो मतलब z इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा रेस टू थ्री बाय फोर फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं आईल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले तो रूट टू इंटू ई रेस्टू आयोटा पाई बाय फोर आयोटा रेस टू पाई बाय फोर थ्री बाय फोर फिर थ्री को अंदर ले लेंगे तो थ्री को अंदर ले लेंगे तो टू रेस टू थ्री बाय टू इंटू ई आयोटा थ्री पाई बाय फोर वन बाय फोर फिर टू एम पाई एड करेंगे तो z इज इक्वल टू टू रेस टू थ्री बाय टू इंटू ई रेस्टो आयोटा थ्री पाई बाय फोर प्लस टू एम पाए रेस टू वन बाय फोर फिर अब वन बाय फोर को अंदर लेंगे तो टू रेस टू थ्री बाय एट ई रेस्टो आयोटा थ्री पा बाय सिक्सटीन प्लस एम पाई बाय टू फिर एम की वैल्यू ज़ीरो वन टू थ्री रखेंगे तो इससे मुझे क्या मिलेगा वो चारों रूट्स मिलेंगे तो इससे मुझे चारों रूट्स मिलेंगे तो एम इक्वल टू जीरो पे देखते हैं तो टू रेस टू थ्री बाय एट ई रेस टू आयोटा थ्री फाइव बाय सिक्सटीन फिर दूसरा एम इक्वल टू वन पे टू रेस टू थ्री बाय एट ई रेस टू आयोटा तो इलेवन फाइव बाय सिक्सटीन तो यहाँ पे भी वैसे सेम फंडा है एट एट ऐड और करते जाओ आ जाएगा एम इक्वल टू टू पे आएगा टू रेस्ट टू थ्री बाई एट ई रेस टू आयोटा नाइनटीन फाइव बाय सिक्सटीन और एम इक्ल टू थ्री पे आ जाएगा टू रेस टू थ्री बाय एट तो थर्ड तीन रूट्स आ गए तो चौथा रूट तो चौथा रूट अपने को एम इक्वल टू थ्री पे मिलेगा तो टू रेस टू थ्री बाय एट ई रेस टू आयोटा तो नाइनटीन में एट ऐड कर दो नौ नाट सत्रह तो ट्वेंटी सेवन फाइव बाय सिक्सटीन तो ट्वेंटी सेवन फाइव बाय सिक्सटीन सो दिस इज द आंसर